जी दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ज़रूर देखिए। यहाँ पर मैं डिटेल बात करूँगा, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन आया है, कितने पोस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, ये मैं डिटेल बात करूँगा, ठीक है। मैं अभी तक पढ़ा नहीं हूँ, चलिए पढ़ते हैं एक एक पॉइंट को, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब तो एक लाइन बाई लाइन तो पढ़ नहीं सकता, 2-3 घंटा हो जाएगा। जितने कम समय में कोशिश करता हूँ इसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा, ठीक है, कटक, इसमें रिक्रूटमेंट निकला है। क्या है रिक्रूटमेंट, ये मैं थोड़ा बस ऑन कर देता हूँ। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर, ठीक है, इन द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम 5/8/2021 से 4/9/2021 तक, मतलब 5 अगस्त से 4 सितंबर, ठीक है। ये टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों, ये दो डेट आप याद रखिए, 5 अगस्त 4 सितंबर, ठीक है। 4 सितंबर 11:59, ठीक है, रात को 11:59 PM तक ऑनलाइन एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। ये ग्रुप सी का पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ, ये ग्रुप सी का पोस्ट, ठीक है। सैलरी कितना है, 25,000 से 81,100, ठीक है। लेवल 7 विथ यूजुअल डियरनेस अलाउंसेस, ठीक है। चलते हैं दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, नीचे चलते हैं, और क्या है वैकेंसी पोजीशन, ये देखिए टोटल 29, ठीक है, उसमें से वुमेन 10, महिला के लिए 10 रिजर्वेशन है, ठीक है। अनरिजर्व्ड 15 से 5 वुमेन के लिए है। नीचे ये लिखा है टोटल, ये साइड में लिखा है 5, मतलब 15 में से 5 वुमेन के लिए है, 10 मेल के लिए है, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए। SCBC क्या है, 3 में से टोटल पोस्ट 3 हैं वुमेन 1, मतलब 2 मेल के लिए है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट 5, टोटल 5 पोस्ट है, वुमेन उसमें से 2, तो मेल कितने बचे, 3, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब 6 नंबर, टोटल 6 पोस्ट है, वुमेन 2, मतलब मेल 4, ठीक है, टोटल 29, उसमें से वुमेन 10, मतलब मेल के लिए 19, ठीक है। लिखा आउट ऑफ द टोटल 29 नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशनड अबव द रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, एक्स सर्विसमैन एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज नॉट लेस देन 40% एंड नॉट मोर देन 50% ऑफ एनी डिसेबिलिटी के लिए एक क्राइटेरिया है। ये तो मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसके बारे में बात करता हूँ। चलिए नीचे चलते हैं, यह आ गया PWDS@4% नंबर ऑफ पोस्ट 1, एक्स सर्विसमैन @3% नंबर ऑफ पोस्ट 1, ठीक है। नीचे चलते हैं, ये फिजिकल रिक्वायरमेंट है, डिजेबिलिटी, जो डिजेबल कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या क्या ये सब है, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है, इसमें नहीं जाते हैं। एज, इंपॉर्टेंट बात, एज क्या होना चाहिए, एज आपको मिनिमम 21 ईयर्स होना है, ठीक है, 21 साल के आप होने चाहिए, वो भी 1 अगस्त 2021 तक, ठीक है, 1 अगस्त 2021 तक आपको मिनिमम 21 ईयर है, 21 ईयर आपका एज होना है, और मैक्सिमम 32 से ज़्यादा नहीं चलेगा, 21 से कम नहीं चलेगा, 1 अगस्त 2021 तक, ठीक है। तो ये 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST SCBC के लिए है, 10 साल का, ये 10 साल का जो एज है रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन है, वो PWDs के लिए है, ठीक है, समझ गए। नीचे चलते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। ए कैंडिडेट मस्ट पोजेस बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, समझ में आ गया, सॉरी ये ऊपर हो गया, चलिए नीचे चलते हैं। यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग, ठीक है। आपको भाई शॉर्ट हैंड भी आना चाहिए, टाइप राइटिंग भी आना चाहिए, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर में ये सब आपको, आपका क्वालिफिकेशन क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। एंड ही सी शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब कंप्यूटर का नॉलेज भरपूर होना चाहिए भाई, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस, ठीक है, फीस 500 रुपये है, ठीक है।
ये जनरल के लिए है, ये नीचे लिखा हुआ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो पर्सन डिसेबिलिटीज के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए माफ है, बाकी सब 500 रुपये फीस देना है आपको एग्जामिनेशन फीस। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। सिलेबस, सिलेबस में क्या क्या है, ये जूनियर स्टेनोग्राफर आपको पोस्टों मालूम है, सिलेबस देखते हैं। चलिए, ये 1.5 घंटा का आपका जो एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। एंड एसे इन इंग्लिश, इंग्लिश में आपको रचना लिखना है, ठीक है, 20 मार्क का। ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम ओडिया टू इंग्लिश, ओडिया टू इंग्लिश आपको लिखना है 20 मार्क्स का पैसेज। रीट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू ओडिया 20 मार्क्स का। नॉलेज इन इंग्लिश ग्रामर 40 मार्क्स, टोटल मिला कुल मिलाकर 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट सिक्योरिंग लेस देन 35% टर्म ऑफ मार्क्स एंड रिजर्व कैटेगरीज अंडर SC/ST कैंडिडेट सिक्योरिंग लेस देन 35% टर्म ऑफ मार्क्स इन द अबव रिटन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। ये लिखता है कि 35% से जो भी नीचे होंगे वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो बेंचमार्क 35 का मिनिमम आपका दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से ज़्यादा रखना है, ठीक है। ये गया आपका क्वालिफाइंग टेस्ट इन इंग्लिश सब्जेक्ट, ये इंग्लिश का ही था, टोटल इंग्लिश का 100 मार्क्स 1.5 घंटा, ठीक है। और एक होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, डिटेल लिखा हुआ है, ठीक है। ये 1 घंटे का होगा करीब 50 या 50 100 मार्क्स है, ठीक है। 30 मिनट्स मतलब ये थ्योरी के लिए 30 मिनट्स, स्किल टेस्ट होगा 30 मिनट्स, टोटल 1 आवर। ये डिफरेंट दोनों कैटेगरी दिया हुआ है, थ्योरी के लिए 50 मार्क्स 30 मिनट्स का, स्किल टेस्ट होगा 50 मार्क्स के लिए 30 मिनट्स का, ठीक है। इसमें क्या क्या कंप्यूटर का रहेगा, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, MS एक्सेस, इंटरनेट ऑपरेशन, फाइल अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग, बेसिक नॉलेज ही दिया गया है, ठीक है। ए कैंडिडेट सिक्योरिंग लेस देन 50% ऑफ मार्क्स कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट साल भी डिस्क्वालीफाइड, मतलब ये लिखा हुआ कि 50% अगर आपका कम मार्क आप रखते हो तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नीचे। ये भाई हो गया स्किल टेस्ट आपका, ठीक है। स्किल टेस्ट में क्या क्या है, शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग टेस्ट, ठीक है। द डिक्टेशन ऑफ एन इंग्लिश पैसेज कंटेनिंग 400 वर्ड्स शैल बी मेड एट ए स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ऑन कंप्यूटर एट ए स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स, वो पहले वाला बताया था, ठीक है। ये वाला ये लिखा हुआ है, टोटल ये स्किल टेस्ट होगा 100 मार्क्स है, ठीक है। 5 मिनट्स पर, सॉरी ये नीचे चला गया, नीचे ऊपर चला गया, नीचे चलते हैं, ठीक है। 100 मार्क्स होगा, 5 मिनट्स फॉर शॉर्ट हैंड ऑब्लिक डिक्टेशन टेस्ट एंड 10 मिनट्स फॉर टाइप राइटिंग ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट ऑन कंप्यूटर, ठीक है। 100 मार्क्स का होगा ये स्किल टेस्ट, ठीक है। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ये आप पढ़ लेना, ठीक है, इनमें जाने की कुछ फ़ायदा नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं बता दिया हूँ ऑलरेडी आपको, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो SC/ST रिजर्वेशन में जो आते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं। ये भी लिखा हुआ वही वाला SC/BC सर्टिफिकेट, ठीक है। ये मिसलेनियस क्या है, आप कैंडिडेट्स मस्ट गो थ्रू द डिटेल्स ऑफ, ये आपको डिटेल पढ़ने के लिए बोल रहा है। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन, ऑनलाइन ही देना है ये बोल रहा है, ऑफलाइन की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट होगा, इनकरेक्ट होगा तो वो डिक्लाइन कर दिया जाएगा, ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट में आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। व्हिच आर अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन ऐप, ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो जो आप सर्टिफिकेट डाउनलोड अपलोड करेंगे वही वाला आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है स्किल टेस्ट में, ठीक है, क्लियर। कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस आई हैव टू प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन, जो भी जॉब कर रहे हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, ये बोल रहे हैं। लेटर ऑफ परमिशन फ्रॉम कंपोनेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट में जाके देना है, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना है, ठीक है, जहाँ पर आप जॉब करते हैं वहीं से लेके देना है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप ये वाला जॉब करना चाहते हैं इसलिए उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये वाला सर्टिफिकेट आपको देना है, ठीक है। चलिए नीचे। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द ओडिशा हाईकोर्ट वेबसाइट रेगुलरली फॉर लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट अपडेट के लिए ये वाला साइट ये दिया ना आपको, ठीक है, www.odishahighcourt.nic.in, ये वाला साइट को आप बार बार देखना है कुछ भी अपडेट, वैसे तो मैं अपडेट आपको भी दे दूंगा, ठीक है, पर भी आपको वो वाला साइट को बार बार जाना है देखने के लिए क्या क्या अपडेट आए हुए, ठीक है।
नो TADA विल बी पेड फॉर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। TADA कुछ भी नहीं दिया जाएगा भाई, आप बस से जाओ, प्लेन से जाओ, ट्रेन से जाओ, कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नो करेस्पॉन्डेंट शैल बी कॉन्टैक्ट एंड नो इन्फॉर्मेशन शैल बी सप्लाई ड्यूरिंग द प्रोसेस। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया जा सकता इसे एग्जामिनेशन में, वो तो सब जानते हैं भाई। कन्विंसिंग इन इनफॉर्मेट डिस्क्वालिफिकेशन, कोई भी चीटिंग फीटिंग ये छोड़िए, चीटिंग फीटिंग नहीं होगा, ये सब जानते हैं भाई, कोई भी नहीं करता आजकल। पेनल्टी फॉर मिसकंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, ये भाई पढ़ लेना, ठीक है। क्लोजिंग डेट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी अवेलेबल इन द वेबसाइट फ्रॉम 05/08/2021 to 04/09/2021 टिल 11:59 PM, ठीक है। ये वाला पहले बता दिया हूँ कब से स्टार्ट होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, कब बंद होगा, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। 5 अगस्त से शुरू होगा, 4 सितंबर तक चलेगा, 11:59, ठीक है। 12 भी हो गए तो रात के 12 बजे भी हो गए तो आपका नहीं होगा भाई, इससे पहले कर देना, ठीक है। तो आपसे मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।